बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन हकीम शाहिद इक़बाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे के साथ। बहुत से अफराद को ये मसाइल बन रहे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 95% मर्दों के ये मसाइल हैं कि जी उनकी टाइमिंग ठीक नहीं है। जैसे ही वो कह सकते कि अपनी बीवी के पास जाते हैं तो शलवार गीली हो जाती है, फारग हो जाते हैं, या हम बिस्तरी करने को दिल नहीं करता। उनके लिए मैं जब बहुत आसान सा नुस्खा लेकर आया हूँ, इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने लेनी है 5 खजूरें ले लें या 5 छुआरे ले लें, इनकी गुठली निकाल देनी है और 11 अदद बादाम की गिरी लेनी है, 3 अदद अखरोट उसका मगज़, 3 चीज़ें हो गई। तीनों चीज़ों को आपने सुबह को 1 पाव दूध में भिगो देना है, सुबह को यानी कम से कम 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद आपने शाम को यानी कि इसको जो है बादाम की गिरी उसका छिलका उतार दें, बाकी चीज़ें उसमें डाल दें दूध में ही, और मज़ीद आपने इसमें 1/2 किलो या 1 पाव दूध डाल देना है और हल्की आंच पर पकाना है। जब आपका 1 पाव दूध रह जाए तो उसको आपने नीम गर्म हालत में ही शेक कर लेना है, यानी कि ग्राइंड कर लेना है। फिर नाज़रीन आपने रात का हल्का फुल्का खाना खाना है, खाना खाने के 1 घंटा बाद ये आपने नीम गर्म पी लें। रोज़ाना इस तरीके से इस्तेमाल करें, आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप रात के वक्त जितनी बार मर्जी कह सकते कि हम बिस्तरी करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, नफ्स ढीला नहीं पड़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगी, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा और जो ताकत है बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया तो नाज़रीन इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तो वास्तवर किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। फी इमानल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।